सारे किरदार इसीलिए सरकार ने और जिस के लिए हम भाग रहे थे 5-4 साल भागे हमें वो भी नहीं मिला, वो किरदार भी नहीं दिया और जो हमारे थे वो भी हमसे छीन लिए, माँ का छीन लिया, बहन का छीन लिया, भाई की शादी मेरे पर लगा रखी, मेरा बेटे मेरा बच्चा भी मारा है, मैं मूर्तियाँ उसको देख के नहीं आ सकती, आती नहीं देख पाते, मतलब उसकी ऐसे मुस्कुराते, मतलब वो रोता हुआ मुस्कुराता हुआ नहीं देख पाते और देख लेते तो उनके फ्यूचर बनाने के लिए हम उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। फिलहाल तो कुछ नहीं मिल रहा सर, आश्वासन वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम यहाँ बैठे हैं खुद मतलब ट्राई कर रहे हैं, आप जैसे जो मीडिया वाले हैं वो ज़रूर हमारी मांग को आवाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी हमारी आवाज़ अभी तक शायद सरकार तक पहुँची नहीं है सर। सर हम रीट लेवल द्वितीय जो है उसमें एडिशनल वाले हैं और हमारे साथी जो हैं जो हमारे ही सब्जेक्ट से हैं वो सब ज्वाइनिंग ले चुके हैं और हम वेट कर रहे हैं सर, सरकार की अनदेखी का खामियाजा भुगत रहे हैं सर हम यहाँ पर। सर जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक प्रदर्शन तो जारी रहेगा, अब सरकार कब आवाज़ हमारी आवाज़ को सुनती है और कब हमें ज्वाइनिंग देती है उस पर डिपेंड है सर। हम यहाँ लगातार 5 दिन से धरना दे रहे हैं और हम जब तक नहीं हटेंगे यहाँ से जब तक हमारी बातें नहीं मान ली जाएगी। भाजपा सरकार से हमें बड़ा वो था लगाव कि भाजपा सरकार सत्ता में आएगी, राम राज्य जैसा न्याय होगा, बी एडिशनल के स्टूडेंट्स के साथ वो न्याय होगा जो कांग्रेस ने नहीं किया, हमें स्कूल ज्वाइनिंग दिलाई जाएगी, लेकिन हमारे साथ वही धोखा होता नज़र आ रहा है जो कांग्रेस ने किया था। इसलिए सरकार जल्द से जल्द हमारे जो नियुक्ति आदेश है वो जल्द जारी करे, क्योंकि हम जब तक यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक कोई खास कदम सरकार नहीं उठाएगी या आदेश पत्र जारी नहीं करेगी। विधायक जी आए थे एक BSP से, मनोज जी नांगली, उन्होंने ज़रूर आश्वस्त किया है, मीडिया हमारी कवरेज अच्छे से कर पा रही है, लेकिन फिर भी कोई ठोस कदम सरकार द्वारा नहीं है कि हमें कोई डेलीगेशन बुलाया गया हो या हमारी बातें मान ली गई हो। इसलिए हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जैसे 2016, 2018 और वेटिंग 2021 में सुप्रीम कोर्ट के अधीन चलते हुए एडिशनल डिग्री धारियों को नियुक्ति दी थी स्टाम्प पेपर लेकर, उसी की तर्ज पर हमको भी अध्यापक भर्ती 2022 में इसी प्रकार हमको नियुक्ति दी जाए, बस हमारी यही अंतिम मांग है सर। नाम चंदा शर्मा है और मैं BA अतिरिक्त डिग्रीधारी स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे आपको पता ही है कि हम यहाँ ज्वाइनिंग के लिए बैठे हैं, पर हमें हमारी सरकार है उस गाने के जैसी लग रही है कि कहने को है मेरी पर मेरी सुनती नहीं, बिल्कुल वैसे ही है कि यह हमारी गवर्नमेंट है, हमने इनको चुना है इस आश्वासन के साथ में कि आज तक जो जॉइनिंग हमें अक्टूबर में मिलनी चाहिए थी और 4 महीनों से हम उसका वेट कर रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट हमारी सुनेगी, लेकिन अभी तक हम वो नहीं सुन पा रहे हैं, तो हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से उन्होंने 16, 18 और 21 वाले जो अतिरिक्त डिग्रीधारी जो स्टूडेंट्स थे उनको जैसे नियुक्तियाँ दी वो उनको हमें भी वही वैसे ही जल्दी ही ज्वाइनिंग दें, ताकि हमें भी हमारे दूसरे जो हम लग रहे हैं कि इस चक्कर में क्या है कि हम जो रोल है अपने समाज में वो दूसरे नहीं निभा पा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मैं एक बेड मदर बन रही हूँ, मैं एक बेड हाउस वाइफ बन रही हूँ, क्योंकि हमारा सारा इंटेंशन यहाँ इर्द गिर्द लग रहा है, न हम बच्चों की टेक केयर कर पा रहे हैं, न हम अच्छे, मतलब यह है कि हम किसी भी चीज़ में इंटेंशन हमारा ध्यान नहीं जा रहा, सारा ध्यान हमारा उसी में जा रहा है और हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में इस चक्कर में, तो बस सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइनिंग दें। एडिशनल डिग्री आज से नहीं है, शुरू से ही इसकी मान्यता रही है, लोग इसमें ज्वाइनिंग लेके सरकारी टीचर बन के रिटायरमेंट हो गए हैं, उन्हीं टीचर है जो रिटायरमेंट वाले टीचर हैं उन्हीं के कहने से मैंने खुद ने किया है सर ज्वाइनिंग, ये सॉरी एडिशनल डिग्री मैंने खुद ने की है। एडिशनल डिग्री क्या होती है मैं एक मिनट में बताना चाह रहा हूँ, 3 सब्जेक्ट से 3 साल में BA होता है, 4th सब्जेक्ट लेकर 4th साल में एक और सब्जेक्ट ऐड कराना सर एडिशनल डिग्री है। एक ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्या गुना है सर, उसको विवाद बना लिए, विवाद था कि शुरू में वेटेज का विवाद था, वेटेज के विवाद के बाद में कोई खरीद कर क्या पता किसी फर्जी यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री कोई लेके आता है किसी की, वो चीज़ एक अलग मुद्दा था, तो हमारा कोई मुद्दा नहीं है सर। एडिशनल डिग्री की समीक्षा की गई है, समीक्षा में गवर्नमेंट की कमेटी ने इसको बिल्कुल पात्र माना है डिग्री को, कोई इसका इशू नहीं है। पिछली कांग्रेस सरकार ने गहलोत साहब ने खूब फूड पैकेट बांटे, खूब टॉफियां बांटी, खूब मीठी गोलियां बांटी, सर युवाओं को मीठी गोलियां नहीं चाहिए, युवाओं को रोज़गार चाहिए सर, युवाओं को रोज़गार दो, मीठी गोलियां और ये अभी
हमें उम्मीद थी कि बीजेपी गवर्नमेंट हमारा भला करेगी, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट तो बस मोदी जी का चेहरा कर रहे हैं। हमारे युवाओं की कोई सुध नहीं ले रहा। हमें भी न्याय चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, फूड पैकेट और ये छोटे मोटे 2 किलो 5 किलो आलू 2 किलो गेहूँ राशन, इन सबसे कुछ भला नहीं होने वाला है सर। हमें रोजगार दें ताकि हम 5 लोगों को हम खाना खिला सकें। देखिए, मैं तो इन बेरोजगारों के पास आया हूँ, इनकी सिर्फ नियुक्ति देने का मामला है, और किन्हीं अधिकारियों के कारण अगर इनकी नियुक्ति रुकी हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इन एडिशनल सब्जेक्ट के 2022 के इस रीट भर्ती के सारे बेरोजगार लोगों को तुरंत पर्यावर से नियुक्ति दे, ऐसा सरकार विचार करे। इनकी बात सुनने पर मुझे लग रहा है कि ये बेचारे बहुत तंग हैं। पहले तो पेपर घोटालों में फंस गए, फिर बाद के मुश्किल से परीक्षा पास करी दूसरी बार, अब ये सरकार के घोटाले में फंस गए। अब सरकार का ये घोटाला ही है, इनको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, बेचारे बाहर बैठे हैं। आज नियुक्ति दे दे हुए जनता ने लाभ मिले, कर्मचारी अपनी पोस्ट पर जाके काम करें, इनके बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ जाएं, ये रोजगार मिले।